312 फीट से आ रहा है ये गिरता हुआ पूरा वाटरफॉल, और उत्तराखंड का वन ऑफ द टॉलेस्ट वाटरफॉल है। इस तरीके का रूट है, बिल्कुल खाई है नीचे। हेरा फेरी नहीं हो रहा है। समुंदर तल से 7000 फीट की हाइट पर बसा एक छोटा सा टाउन जिसका नाम है चकराता। लोग ऋषिकेश जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, मसूरी जाते हैं, देहरादून जाते हैं, लेकिन एक दिन या दो दिन के ट्रिप के लिए ये इससे बेस्ट जगह कोई नहीं है। चकराता वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाउन है उत्तराखंड का, जहाँ आप पूरा विजिट कर सकते हो, घूम सकते हो, नेचर को एंजॉय कर सकते हो, पीस ले सकते हो। अगर ये बात कहें कि मसूरी की जो हाइट है वो भी 6100 फीट है और ये उससे ऊपर है, समझ सकते हैं कि ठंड भी होगी और व्यू भी होगा, नेचर भी होगा, बहुत ही प्यारी वादियाँ होंगी, खूबसूरत वादियाँ आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा घुमाने वाला हूँ चकराता। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हो कि भाई अपना जो प्लान हो वो ओवर क्राउडेड ना हो और एक या दो दिन में पूरा कवर हो जाए, क्योंकि दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा सुंदर सा टाउन उत्तराखंड में, तो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। यहाँ पर फॉरनर्स का आना अलाउड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इंडियंस आ सकते हैं घूमने। सो क्यों, कैसे, कब, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कैसे नहीं, सब बात करेंगे, सब बताएंगे, लेकिन आपको आगे लेकर चलते हैं और आपको चकराता घुमाते हैं पूरा। तो सबसे पहले आप ये व्यू चेक करो कि कितना प्यारा व्यू है। नीचे का जो आप देख रहे हो वहाँ विकास नगर है उधर, जो दिखेगा नहीं क्योंकि हम लोग काफ़ी हाइट पर आ गए हैं। यहाँ से चकराता ऑलमोस्ट आ जाता है 6 से 7 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमने चकराता की मार्केट को एक्सप्लोर करा। ज्यादातर यहाँ पर खाने की वैरायटी के साथ ही काफी सारी ट्रेडिशनल गारमेंट शॉप भी हैं, जहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारी जरूरत का सामान मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें दिखे चकराता के फेमस राजमा, जिंजर टी और यहाँ के कुछ लोकल मसाले, जो आई एम श्योर कि आप यहाँ से जरूर परचेज करेंगे क्योंकि यहाँ के बहुत फेमस हैं और आपको हर एक शॉप पर देखने को मिल जाएंगे। चकराता पॉल्यूशन फ्री और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। अगर आप एक नेचर लवर हैं या फिर आपको ट्रैकिंग का भी शौक है तो आपको यहाँ पर काफी मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और प्यारे दृश्य देखने को मिलते हैं। इसी के साथ हम निकल गए यहाँ के बेस्ट मोमोज की तलाश में। बना रहे हैं। करेगा कहीं हेरा फेरी नहीं हो रहा है। मोमोज हैं। अच्छा, कैसे दिए वेज का 50। लेकिन बिल्कुल भी मजा नहीं आया और यहाँ पर हमारी खोजबीन जारी रही। फिर हमें दिखा ये हॉट बाइट रेस्टोरेंट, जहाँ पर मोमोज की काफी सारी वेरायटी थी जिसने हमारी क्रेविंग पूरी करी और टेस्टी मोमोज के साथ, जो की एक नंबर थे। और हाँ, अगर आपको यहाँ के टेस्टी राजमा चावल खाने हैं तो ये यहाँ की काफी फेमस शॉप है। वैसे तो चकराता में काफी सारी घूमने की जगह है, जैसे कि चिलमिरा नेक, चकराता का सबसे हाईएस्ट पीक, देवभन के घने जंगल, चकराता से 30 किलोमीटर दूर बसा बुद्धा केव जो कि काफी फेमस है, रामताल गार्डन और पिकनिक के लिए कोटी कांसर। लेकिन हमने अपनी डेस्टिनेशन में चूज करा अपना फेवरेट स्पॉट। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं टाइगर फॉल, और मेक श्योर जब आप आओ तो यहां पर टिकट जरूर परचेज कर लेना यहां से, क्योंकि नीचे नहीं मिलेगा। अगर आप गाड़ी से जाना चाहते हो तो गाड़ी से भी नीचे रूट जाता जाने के लिए आप वहां पार्किंग लगा सकते हो, अदरवाइज यहां से पैदल ट्रैक करके भी जा सकते हो। सो गाइस, दिस इज अ वे। अगर आप सीधे निकल जाओगे तो अमटा विलेज आ जाएगा और नीचे रास्ता रहा टाइगर फॉल का। कुछ इस तरीके का रूट है, मतलब बिल्कुल खाई है नीचे, और ये बिल्कुल नीचे आता है जहाँ पे पार्किंग का स्पेस है। तो वो है पार्किंग का एरिया जहाँ मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है, और यहाँ से 100 मीटर का ट्रैक है जो आपको करके जाना होगा। टाइगर फॉल लिखा है, इधर की साइड जाना है। ये है कुछ इस तरीके का रास्ता।
फॉरगेट दिस, अभी हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाकर देखेंगे वो फॉल। हाँ हाँ हाँ, तरीके से आपको कपड़े मिल जाएंगे यहाँ पे चेंज करने के लिए, अगर आप वाटरफॉल पे जा रहे हैं। इफ़ यू वांट कि आपके पास कपड़े नहीं हैं, आप चेंज करना चाहते हो, लेकर नहीं आए, तो आप यहाँ से ले सकते हो। 60 रुपीज़ हैं ईच फुल ये लेने के। तो आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये 312 फीट से आ रहा है ये गिरता हुआ पूरा वाटरफॉल, और उत्तराखंड का वन ऑफ द टॉलेस्ट वाटरफॉल है, मतलब जो इतनी ऊंचाई से गिर रहा है उसकी से खड़ा भी नहीं हो सकता, इतना प्रेशर से पानी आ रहा है। वो तो मैं पहले नहा लिया था, लेकिन एक बार और लेकर जाऊंगा आप लोगों के साथ, कैमरा लेकर जा रहा हूँ। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत जगह है। फैमिली के साथ अगर आप आना चाहते हो, कपल या फिर सिंगल आना चाहते हो, तो आप आराम से आ सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, लेकिन आप ये व्यू चेक करो। हाइट से पूरा वाटरफॉल आ रहा है, और भाई की स्पीड देखो। फिलहाल मैं ले रहा हूँ यहाँ से एग्जिट, काफी मजा आया चेंज करने के कपड़े, और भाई वहाँ पर तो आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर ज़्यादा शूट नहीं करा, लेकिन आप ये देखो यहाँ पर ना ऐसे वाटरफॉल बहुत हैं, ऐसे वाले नेचुरल पानी आ रहा है एकदम। बरसात होती है ना तभी बंद रहता है, क्योंकि पानी गंदा पानी आता है, और दूसरा ये मना भी कर देते हैं कि भाई बरसात में ना जाओ, क्योंकि पता नहीं पत्थर आ जाए ऊपर से या कुछ आ जाए। बट बहुत ही प्यारी, बहुत ही पीसफुल लोकेशन है। फिर देखें, बाय बाय, मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग में, नई जर्नी में। बाय।